हे फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं मनीषा। तो फ्रेंड, मैं एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में गई थी जो कि ऑर्गेनाइज करवाया था तपस दास सर ने, जिनको जो एक स्पॉटलेस फेस ऑफ इंडिया 24 मैगजीन चला रहे हैं एज अ मेकअप एकेडमी के साथ। ये देखिए हमारी कुछ ग्रुप फोटोज और फोटोज मेरी ब्राइड की जो कि मैंने तैयार की थी। वहाँ पर कॉन्टेस्ट था ब्राइडल मेकअप का। तो ये देखिए वहाँ पर मीडिया वाले भी थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ वहाँ पर, अच्छे से सब कुछ हुआ। तो देखते हैं तैयारी। तो पहले हम उठे, मतलब मैंने एक दिन पहले ही अपने ब्रश वगैरह सब कुछ क्लीन करके अपनी वैनिटी प्रॉपरली एकदम सेट वेट करके मैं आराम से सोई थी, ताकि मैं सुबह उठूं और मैं निकल जाऊं अपने कॉन्टेस्ट के लिए, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा दिन था। बिगनर के लिए तपस दास सर जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वो सर। मेकअप आर्टिस्ट हो या फिर मॉडल्स हो, कोई भी हो, वो सबका प्रॉपरली सपोर्ट करते हैं। ये देखिए मेरे सारा मेकअप अपना एक वैनिटी में रेडी कर लिया था, जिससे मुझे कल कोई भी परेशानी ना हो। रिज़ल्ट फ्रेंड इसका हमारा 6 जुलाई को आएगा। तो देखते हैं रिज़ल्ट, तो खैर भगवान के हाथ में है, देखते हैं क्या होगा। ये देखिए हम अपना झोला वोला उठा के, सब कुछ उठा के हम निकल पड़े हैं। हम सुबह निकले थे कोई 10 बजे करीब, हमने ऑटो किया यहाँ से, हमें जाना था पटेल नगर आयजा मेकअप अकेडमी में। तो ये देखिए हम निकल चुके हैं वहाँ से, और ये कुछ मैंने फ़ोटो वगैरह क्लिक करी थी अपने हस्बैंड के साथ में, क्योंकि वो मुझे फुल सपोर्ट करते हैं और मेरे साथ हर जगह जाते हैं। ये देखिए वहाँ पे पर्ची वगैरह उठाई हमने, तो हमें लकी ड्रॉ के हिसाब से हमें मॉडल मिली। रायना मेरी मॉडल का नाम था, प्यारी सी क्यूट सी छोटी सी मॉडल थी ये। हम लोग वहाँ पे ना, उनका आईब्रो नहीं हुई थी, तो उनकी आईब्रो करी, अपलिस वगैरह करे, उनका मेकअप अप्लाई करा, हमसे वहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर हुए। देखिए मेरी मॉडल कितनी प्यारी लग रही है। अभी इनका आधा अधूरा मेकअप हुआ, क्योंकि लहंगा नहीं मिला था। उसके बाद में ये कुछ फ़ोटोज़ जो कि डीसी स्टूडियो वाले सर ने हमारी क्लिक की थी। ये हमारे सर हैं कबीर सर, जो कि अकेडमी चला रहे हैं आयजा नाम से। तो उन्होंने हमें लहंगे भी प्रोवाइड करवाए थे, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ उन्होंने दिया था। ये देखिए कुछ फाइनल लुक मेरी मॉडल का, कितनी प्यारी लगी है। आप ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। पीछे से जो आवाज़ आ रही है उसको इग्नोर करना। वहाँ पे सबकी फ़ोटो वगैरह क्लिक होती थी, सब ने अपनी ब्राइड तैयार कर दी थी। टोटल 20 जने थे जिन्होंने अपनी ब्राइड तैयार की थी। ये देखिए फ़ोटोशूट कर रहे हैं वहाँ पे, फ़ोटोशूट प्रॉपरली फ़ोटोशूट हुआ है। हमें बाद में फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हमें दे दी गई हैं वहाँ से। ये देखिए जैसे कि हम अपना प्रोफाइल बिल्डअप कर सकें। ये देखिए कुछ मैंने हेयर स्टाइल वगैरह जो बनाया था, बाद में उसकी छोटी सी क्लिप डाल रही मैं, है ना। तो ये मैंने उनको सिंपल सा, मेरी मॉडल का था कि सिंपल सा हेयर स्टाइल देना, तो मैंने उन्हें सिंपल सा हेयर स्टाइल दिया। गजरा वजरा सब मैं लेके गई थी, मेहंदी मेरी मॉडल लगवा के आई थी। ये देखिए कितनी प्यारी सी मेहंदी उन्होंने लगवा रखी है। सर थैंक यू, तो आपने हमें ज्वेलरी वगैरह दे दी, क्योंकि एक हेडेक होता है कौन सी ज्वेलरी ले जाए, कौन सा लहंगा लेके जाएँ। ये देखिए कुछ फ़ोटो जो डीसी स्टूडियो वालों ने मुझे लिंक भेज दिया था, वहाँ से हमने डाउनलोड किए। देखिए कितनी प्यारी प्यारी फ़ोटो आई है। तो फ्रेंड प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेकअप कैसा लगा आपको। मानती हूँ कुछ ना कुछ कमी होगी मेरे मेकअप में, क्योंकि अभी मैं इतनी बड़ी लेवल की आर्टिस्ट नहीं हूँ। ये कुछ काम करते सब बच्चों ने बड़ा अच्छे से काम करा वहाँ पे। फिर देखो फोटोशूट भी हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ, सब ने काफ़ी अच्छे से काम करा वहाँ पे। हमारी रील्स वगैरह भी बनवाई, सब कुछ करवाई। ये देखिए फाइनल लुक देखिए आप मेरी मॉडल का। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक दे देना वीडियोस को, और शेयर भी कर देना अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ। तो फ्रेंड मैं ना आपको तपस दास सर का यहाँ पर आपको ना इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगी। अगर आप भी मेरी तरह बिगनर मेकअप आर्टिस्ट हैं या फिर मॉडल हैं, तो आप उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं सर से पूछ के उनका नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगी आपको। ये देखिए, और आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि मेरी मॉडल आपको कैसी लगी, मेरा मेकअप आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड 6 तारीख को रिज़ल्ट आएगा, तो प्लीज़ प्रे कीजिए कि हम ही जीत जाएं और कुछ और नया नया आपको दिखाते रहे इसी तरीके से, है ना। तो फ्रेंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। तो देखते हैं फ्रेंड रिज़ल्ट में क्या आता है। वैसे तो यहाँ तक पहुँचना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जीतू या ना जीतू, बस आप लोगों का साथ चाहिए, साथ ऐसे ही बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।